जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर सियाचिन से आ रही है। सियाचिन में मां भारती की सेवा करते हुए देश का पहला अग्निवीर जवान शहीद हो गया। जी हां दोस्तों, सियाचिन में तैनात अग्निवीर लक्ष्मण की एक ऑपरेशन के दौरान जान चली गई। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक लक्ष्मण ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले देश के पहले अग्निवीर हैं। लक्ष्मण भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा थे। भारतीय सेना ने लक्ष्मण को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, हालांकि उनके नाम के आगे शहीद नहीं लिखा। फायर एंड फ्यूरी क्रॉप्स ने लिखा है कि सेना सियाचिन की कठिन ऊंचाइयों पर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर लक्ष्मण को सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अग्निवीरों को शहीद का दर्जा देने को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद हुआ था। 11 अक्टूबर को अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने सुसाइड किया था, जिसके चलते सेना ने उन्हें राज के सम्मान नहीं दिया। इस पर काफी विवाद हुआ। सेना को 3 दिन बाद बयान जारी करना पड़ा। सेना ने कहा कि अमृतपाल ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारी थी। अमृतपाल के अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, क्योंकि खुद को पहुंचाई गई चोटों से होने वाली मौत के मामले में यह सम्मान नहीं दिया जाता। सेना के नियम के मुताबिक ज्वाइनिंग से पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। वहीं 4 साल का कार्यकाल खत्म होने तक इसे 6.92 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, यानी अग्निवीरों को हर महीने 30,000 से 40,000 रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के स्थानीय सैनिकों की तरह अवार्ड मेडिकल भत्ता मिलेगा। वहीं सरकार 44 लाख का बीमा भी कराएगी। ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा उनके बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी मिलेगा। सेना के अनुसार इससे पहले जून में सियाचिन ग्लेशियर में आग लगने की दुर्घटना में सेना का एक जवान शहीद हुआ था, जबकि 3 जवान घायल हुए थे। सेना ने एक बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान गंभीर रूप से जलने के कारण रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर कैप्टन आशुमान सिंह की मौत हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि 3 कन्याकर्मियों को धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ हुई, वे काफी हद तक झुलस गए थे। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ग्लेशियर को दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाले युद्ध स्थल के रूप में माना जाता है। यह भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। 13 सितंबर को अनंतनाग जिले के गाडोले जंगल में 3 से 4 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। रात होने पर ऑपरेशन रोक दिया था। अगली सुबह जब दोबारा तलाश की गई तो आतंकवादियों ने घने जंगलों में घात लगाकर हमला कर दिया। इस अंधाधुन फायरिंग में राष्ट्रीय राइफल के कई जवान शहीद हुए थे। तो दोस्तों, मैं भगवान से ही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानियों की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को 1 लाइक 1 शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।